हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CUHP, दैट इज़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश की। उनकी तरफ से एक नोटिफिकेशन आया हुआ है डेटेड 21st ऑफ अक्टूबर, एंड ये नोटिस है एंट्रेंस के लिए। तो बेसिकली PhD के लिए नोटिफाई किया गया है, एंड उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 26th ऑफ अक्टूबर से एक्टिव होंगे, एंड इसीलिए अभी वेबसाइट पे भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रही है, बट 26th के बाद आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। सो अगर आप ये वीडियो अगर ये वीडियो 26th से पहले मैं अपलोड कर रही हूँ तो आप 26th के बाद देख लीजिएगा, लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज आप डायरेक्टली वेबसाइट पर भी विजिट करेंगे तो वो स्टार्टिंग में ही स्क्रॉल होता रहता है, वो आपको अनाउंसमेंट्स में दिख जाएगा, ठीक है। सो एनीवे, एंट्रेंस के लिए आया है नोटिफिकेशन। ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना है आपको। एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे 26th अक्टूबर तक, एंड लास्ट डे होगी 6th ऑफ नवंबर, राइट। हिमाचल प्रदेश ऑफ कोर्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एंड पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी है। आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा एंड उसे क्वालिफाई करना होगा। एंट्रेंस के सिलेबस की बात करें तो 50% रिसर्च एंड 50% आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होंगे। बट यस, यहाँ पे है आपके पास इनमें से एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सो JRF हो, नेट हो, CSIR JRF हो, नेट हो, या ICAR JRF SRF हो, ICMR JRF हो, DVT JRF हो, SLET टीचर फेलोशिप होल्डर हो, आप MPhil हो, या फिर जो इनका एग्जामिनेशन हुआ था ना, शोध पात्रता परीक्षा, उसे क्वालिफाई किया हो। तो अगर इनमें से कोई भी एलिजिबिलिटी कंडीशन आपके पास है तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए, एंड तब आप एंट्रेंस देंगे, ठीक है। तो यस, अगर इनमें से कोई एग्जाम ही नहीं क्वालिफाई किया है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या लॉजिक हुआ, बिकॉज जब एंट्रेंस आप दे रहे हैं तो इस कंडीशन की क्या रिक्वायरमेंट है, या फिर कंडीशन होती तो आप डायरेक्टली इंटरव्यू देते। बट एनीवे, हम बात करेंगे जो भी लिखा हुआ है उसकी। तो आप अगर इनमें से कोई कंडीशन फुलफ़िल करते हैं तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। 2 स्टेज का प्रोसेस होगा, एंड इस कंडीशन के अलावा आपके पास मास्टर्स में 50% मार्क्स हों, 55 आई थिंक रिक्वायर्ड होंगे, वो होने चाहिए। सो जब आप एंट्रेंस देंगे तो एंट्रेंस में 50% रिक्वायर्ड है, उतने मार्क्स होंगे तो आप क्वालिफाई करेंगे इंटरव्यू के लिए, ठीक है। देन यहाँ पर है वो कैंडिडेट जिनके पास JRF है, येस ओके। तो फाइनली अगर आपके पास JRF है तो आप एग्जेम्प्टेड हैं एंट्रेंस टेस्ट से। बट इसके अलावा आपने इनके पास नेट हो, स्लेट हो, टीचर फेलोशिप हो, MPhil हो, इनकी जो अपनी पात्रता परीक्षा होती है उनमें से इनमें से कुछ भी क्वालिफाई किया हो तब आपको एंट्रेंस देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करना होगा एंट्रेंस ताकि आप इंटरव्यू दे पाएँ। यहाँ पे क्राइटेरिया एडमिशन का, तो कुछ वेटेज मिलेगा। तो अगर आपकी जो UG डिग्री है वो कंसर्न सब्जेक्ट में है तो उसके 10% इंक्लूड होंगे, PG के 30% होंगे, इनमें से कोई क्वालिफिकेशन है तो 20 मार्क्स होंगे, सब्जेक्ट नॉलेज 10, तो ये डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे से ऐड कर देख सकते हैं इसको। उसके बाद यहाँ पर है DSE। एक्चुअली जब भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं आप, तो वहाँ पे जो उनके डिपार्टमेंट में टीचर्स होते हैं, फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, तो उन्हें कंप्राइज करके एक कमेटी बनाई जाती है, जिसे कई जगह DRC भी कहते हैं, डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी, कुछ जगह DSC कहते हैं, जैसे यहाँ पर है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी। तो वो कमेटी बन ही जाती है जैसे ही एंट्रेंस होता है, वो होती है एक, सो दैट डिसाइड कर सकें कि किसका एडमिशन होना है किसका नहीं। ओके, सो ये उसी कमेटी की बात कही गई है। एंड इसके अलावा आप देख भी सकते हैं यहाँ पे सब जो डिपार्टमेंट के फैकल्टी होते हैं वही होते हैं। ओके, सो अब हम बात करते हैं यहाँ सीट्स की। तो मैं टोटल सीट्स आपको बता रही हूँ, आप प्लीज़ कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा, राइट। सो देखिए, सबसे पहले है स्कूल ऑफ कॉमर्स। तो बेसिकली हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय बिजनेस स्कूल में 3 सीट्स हैं। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज EVS में 5 सीट्स हैं, एजुकेशन 4, लैंग्वेजेस में हिंदी में 1 है, इंग्लिश में 3 है, संस्कृत पाली प्राकृत 10, पंजाब डोगरी 3, देन न्यू मीडिया में 4 सीट्स हैं, एनिमल साइंस जूलॉजी में 5 है, प्लांट साइंस 5 एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स 10, देन मैथ्स है। सो देखिए, श्रीनिवास रामानुजम डिपार्टमेंट, बेसिकली मैथ्स डिपार्टमेंट में मैथ्स में 6 है, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस 2, कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेटिक्स 6, देन परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स 6, फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमिकल साइंस 40, केमिस्ट्री एंड केमिकल साइंसेस 5, हिस्ट्री 5, पॉलिटिकल साइंस 3, दैन सोशोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी 1, इकोनॉमिक्स 21, सेंटर फॉर दीनदयाल उपाध्याय स्टडीज 10, सोशल वर्क 8, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट 6। तो टोटल 172 सीट्स हैं, एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो, एलिजिबल हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एंड इसके अलावा चेंजेस भी हो सकते हैं, आपको अच्छे से पता है रिक्वायर्ड क्या है मिनिमम। तो मैंने बताया PG आपके पास होना चाहिए, एंड यहाँ पर तो एज सच लिखा नहीं है, बट हाँ ये लिखा है एज पर क्रॉस 6 होना चाहिए, तो 55% से ऊपर है तो आप एलिजिबल होंगे। एप्लीकेशन फ़ी कितनी है? सो 500 है
जनरल EWS OBC क्रीमी लेयर के लिए, देन 400 है OBC NCL कैंडिडेट्स के लिए एंड SC ST दिव्यांगजनों के लिए इट इज़ 200। लास्ट डेट क्या होगी बता दिया है आपको, बट हाँ ठीक है आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, वैसे यहाँ पे लास्ट डेट नहीं है, लास्ट डेट है 6 नवंबर। ओके एडमिट कार्ड्स आएंगे, एंट्रेंस होगा 20 नवंबर को। कहाँ होगा तो मोस्ट प्रोबेबली आपको वहाँ जाना होगा, हिमाचल जाना होगा, लिखा भी है यहाँ धर्मशाला में जाना होगा आपको, धर्मशाला में एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। राइट, रिजल्ट आने के बाद की बात भी लिखी हुई है 1 से 16 के बीच में बाकी प्रोसेस होगा। कोई भी रिक्वायरमेंट है, कोई भी क्वेरी है, आपको कुछ जानना है तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं admission@hpcu.ac.in पे, या ये नंबर्स भी हैं, आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देन अगर कोई टेक्निकल क्वेरी है फॉर्म फिल करते टाइम तो आप इन दो नंबर्स में से किसी में भी कॉन्टैक्ट या फिर इन ईमेल आईडीज पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आप अभी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, अभी देख नहीं पाएंगे, 26 अक्टूबर के बाद से आप देख पाएंगे। सो 26 को या उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, तभी पोर्टल एक्टिव होगा। बाकी यस, जो भी लिंक्स होंगी ऑफिशियल वेबसाइट की वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।